हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित पांडे एंड वेलकम बैक इन अ केमिस्ट्री नॉलेज। आज का जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक सिलेबस के बारे में देखेंगे और यही सिलेबस आपके नीट के लिए भी है। ठीक है, सिलेबस के कहने का मतलब आप देखेंगे पहला जो टॉपिक है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर, लुईस स्ट्रक्चर, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, वीवीटी, रेजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये था आपका सिलेबस। इतने सारे टॉपिक आपके मेंशन हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग के सिलेबस में। ठीक है, अब एक एक करके टॉपिक का हम क्या देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू कहने का मतलब है कि हम एक बेसिक आइडिया अपने माइंड में बैठा लेंगे। ठीक है, देखते हैं, पहले स्टार्टअप करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम और एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सेकंड है आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। बेसिकली आप बॉन्ड टू टाइप का पढ़ते हैं। पहला जो होता है आपका इंटर एटॉमिक बॉन्ड और दूसरा जो होता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसी के अंतर्गत आते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है और उनके बीच एक अट्रैक्शन होता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। थर्ड पॉइंट जो है बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर कहने का मतलब है बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक से लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब जैसे कि हम बॉन्ड एंगल का पढ़ते हैं, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ को पढ़ते हैं और उसके बाद आयनिक रेडियाई को पढ़ते हैं, वैन डेर वाल रेडियाई को पढ़ते हैं, ये सब चीजें इसमें आती है। ये अगला है हमारा लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर कहने का मतलब है जब किसी मॉलिक्यूल को बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करना उसके स्ट्रक्चर को लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है। अगला जो है हमारा बीबीटी। बीबीटी क्या होता है, बीबीटी हमारा बेसिकली क्या बताता है, कोवैलेंट कैरेक्टर को बताता है। बीबीटी क्या बताता है, कोवैलेंट कैरेक्टर को बताता है और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को सिखाता है। अगला जो है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, बेसिकली रेजोनेंस है डीलोकलाइजेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। मींस किसी एक स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकलाइज करा के, स्थानांतरण करा के इलेक्ट्रॉन को, उनके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आता है वो रेजोनेंस कहलाता है। अगला है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी है जो मेनली हमको क्या बताती है, मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री के बारे में हमको नॉलेज देती है। अगला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब है मिक्सिंग ऑफ ए ऑर्बिटल, मींस मोर देन वन ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगला है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेकर और कोई हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। बेसिकली टू टाइप्स की होती है, इंटर और इंट्रा, इसको आगे हम देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है एमओटी। एमओटी मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये भी हमारी बॉन्डिंग को बताती है, जैसे कि बीबीटी है, बीबीटी में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को पढ़ते हैं, किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को पढ़ते हैं और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को पढ़ते हैं। थैंक यू।